सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग थिंग सीज़े। अगर आपने कलर ओएस 8 के फीचर्स के रिगार्डिंग वीडियोस नहीं देखे है तो मैंने इसके रिगार्डिंग में वीडियोस बनाकर रखा है, डिस्क्रिप्शन पे आप सभी को लिंक मिल जाएगी। जाकर इस वीडियो के बाद आप लोग वो वीडियो को भी देख सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कलर ओएस 8 डिवाइस लिस्ट के बारे में, जो कि यहाँ पर फाइनली आ चुकी है कि कौन कौन ऐसे सिलेक्टेड डिवाइसेस है ओप्पो की तरफ से जिनको कलर ओएस 8 का सपोर्ट मिलेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये वीडियो आप सभी को पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कलर ओएस 8 जो है वो एंड्रॉइड 11 बेस्ड होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो भी बताया था, जब फीचर्स के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाया था उसी वीडियो पे मैंने आपको बता दिया था कि कलर ओएस 8 जो है वो एंड्रॉइड 11 बेस्ड होने वाला है। और यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन ऐसे सिलेक्टेड डिवाइसेज है जिनको एंड्रॉइड 11 प्लस कलर ओएस 8 का सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, लिस्ट शो ऑफ हो रही है। तो इस लिस्ट में यहाँ पे जो सबसे पहला डिवाइस नेम है वो है ओप्पो X2, उसके बाद है ओप्पो फाइंड X2, फाइंड X2 प्रो, ओप्पो रेनो 3 एंड ओप्पो रेनो 3 5G, ओप्पो रेनो 3 यूथ, ओप्पो रेनो 3 प्रो, ओप्पो रेनो 3 प्रो 5G, ओप्पो रेनो 10X जूम, ओप्पो रेनो 2, ओप्पो रेनो 2F, ओप्पो रेनो 2Z, ओप्पो रेनो 5G, उसके बाद है ओप्पो F15 एंड ओप्पो A9 2020। अब इसके बाद यहाँ पे जो अगला डिवाइस लिस्ट है ये एक्सपेक्टेड लिस्ट है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इन सभी डिवाइसों को भी कलर ओएस 8 का जो सपोर्ट है वो मे भी मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से इन सभी डिवाइसों को भी कलर ओएस 8 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिलेगा। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहले डिवाइस नेम है वो है ओप्पो A31, ओप्पो A91, ओप्पो K5 एंड ओप्पो रेनो X, ओप्पो रेनो A, ओप्पो A9 2020, ओप्पो रेनो Z, ओप्पो K3, ओप्पो A9X, ओप्पो A9, ओप्पो F11, F11 प्रो। तो इन सभी डिवाइसों को यहाँ पर कलर ओएस 8 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का जो सपोर्ट है वो मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस की नेम मैंने आपको बताया, इन सभी डिवाइसों को कलर ओएस 8 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का जो सपोर्ट है वो मिलेगा। मे बी इनमें से कुछ ऐसे डिवाइसेस है जो कि छूट सकते हैं, लेकिन जितने भी नेम मैंने आपको बताया सभी डिवाइसों पे कलर ओएस 8 का सपोर्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कलर ओएस 8 जो है वो इंडिया के अंदर कब तक रिलीज हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कलर ओएस 8 जो है वो एंड्रॉइड 11 बेस्ड होगा, तो जब तक इंडिया के अंदर एंड्रॉइड 11 लॉन्च नहीं होता तब तक कलर ओएस 8 जो है वो लॉन्च नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉइड 11 जो है वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर आप सभी को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फाइनली एंड्रॉइड 11 की पिक्सल की डिवाइसों में यहाँ पर टेस्टिंग भी चालू हो चुकी है। लगभग 3 या फिर 4 बीटा यहाँ पर अभी फिलहाल चल रहा है, उसके बाद मई के महीने में यहाँ पर बीटा पे एंड्रॉइड 11 जो है वो रिलीज हो जाएगी। उसके बाद जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, इन तीनों महीनों के अंदर आप सभी को फाइनल एंड्रॉइड 11 जो है इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो एंड्रॉइड 11 आ जाएगा तो उसके बाद कलर ओएस 8 भी आप सभी को इंडिया के अंदर बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखते हैं ओप्पो की तरफ से कब तक कलर ओएस 8 की रिगार्डिंग ऑफिशियल रिलीज डेट आती है, और जब भी आएगी मैं आप सभी को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।